नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट और उसके डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेके कि डॉक्टर साहब, सोनोग्राफी में प्रोस्टेट आया हुआ है, हालांकि उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती और वह बहुत ही परेशान रहते हैं कि हमें कोई गठान हो गई है या कैंसर हो गई है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स को बहुत सालों तक प्रॉब्लम होती है पेशाब की, लेकिन वो आता नहीं दिखाने, और जब दिखाने आता है तो पेशाब बंद हो चुका होता है, रुक चुका होता है, या उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है। प्रोस्टेट की बीमारी में क्या ट्रीटमेंट होता है और उसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं, कब दवाइयों द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं और कब सर्जरी की जाती है। जब भी पेशेंट्स को पेशाब से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं और उसकी एज 50 साल से ज़्यादा है, मतलब 50 साल से ज़्यादा के पुरुषों में अगर पेशाब से संबंधित कोई तकलीफ है तो वह प्रोस्टेट ग्रंथि के इनलार्जमेंट के वजह से हो सकती है। हालांकि पेशाब की तकलीफ जो पुरुषों में और भी कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से हो सकती है, जिसको हम प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट से कन्फ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, पेशाब का जो रास्ता होता है उसमें सिकुड़ाहट हो। कई बार डायबिटीज पेशेंट होते हैं, नॉर्मल प्रोस्टेट की वजह से होने के बावजूद भी पेशाब की तकलीफ होती है। कई बार न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है, मतलब आपको स्ट्रोक हुआ है, लकवा मारा है या पैरालिसिस हुआ, उसमें पेशाब की तकलीफ होती है। और भी कई सारी बीमारियां होती हैं। जब भी हम पेशेंट्स आते हैं तो उसको हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशंस करते हैं और उस एक डायग्नोसिस तक पहुँचते हैं, उसके हिसाब से हम फिर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। प्रोस्टेट के जो डायग्नोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन है, सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी में हम प्रोस्टेट का साइज़ देखते हैं कितना बड़ा है। नॉर्मल जो प्रोस्टेट का साइज़ होता है करीब 15 ग्राम होता है। जब 20 ग्राम या 25 ग्राम से ज़्यादा होता है तो उसको हम प्रोस्टेट इनलार्जमेंट कहते हैं, और हम इस बात का डाउट करते हैं कि शायद पेशाब की तकलीफ़ आपको इसकी वजह से हो सकती है। हालांकि हिस्ट्री में हम बाकी सवाल भी पूछते हैं ताकि ये पता चले कहीं कोई ऐसी और कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से भी पेशाब की तकलीफ़ हो रही हो। जैसे कि मैंने बताया, पार्किंसंस डिसीज़ होता है जो ओल्ड एज में कॉमन होती है, स्ट्रोक पेशेंट, लकवा वाले पेशेंट, स्पाइनल कॉर्ड वाले पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट जो बहुत सालों से डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी या नसों की बीमारी होती है, उसकी वजह से पेशाब की तकलीफ हो सकती है। ठीक, तो सोनोग्राफी हिस्ट्री एग्जामिनेशन से एक हमारी प्रारंभिक डायग्नोसिस बनती है। इसके अलावा हम पेशाब करने के पहले और पेशाब करने के बाद कितना यूरिन पेशाब सोनोग्राफी पे रह जा रहा है, जिसको हम पोस्ट वर्डल रेसिडुअल यूरिन या PVR एस्टिमेशन रहता है, वो करते हैं। उससे पता चलता है कि आपकी पेशाब की थैली पूरी खाली हो रही है कि नहीं। दूसरा या अहम टेस्ट होता है यूरोफ्लोमेट्री का टेस्ट। यूरोफ्लोमेट्री के टेस्ट में आपको पेशाब रोक के एक मशीन, कंप्यूटराइज मशीन होता है, उस पर यूरिन पास करना होता है। उससे आपको पूरे यूरिन का ग्राफ मिलता है, उससे पता चलता है कि यूरिन आपको कितनी तेज़ है या कितनी स्लो है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तीसरा सबसे अहम टेस्ट है सीरम PSA की जांच, जिसको हम फुल फॉर्म प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट करते हैं, PSA का टेस्ट करते हैं। PSA एक प्रोस्टेट की बीमारियों का मार्कर है। अगर यह एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा है, जैसे कि अगर वो 4 या 5 के लेवल से बहुत ज़्यादा है, तो हमें डाउट होता है कि शायद कहीं है प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। हालांकि PSA प्रोस्टेट की दूसरी बीमारियों में भी बढ़ सकता है, जैसे नॉर्मल प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी PSA बढ़ सकता है। अगर प्रोस्टेट के इन्फेक्शन है उसमें भी कई बार प्रोस्टेट PSA का लेवल 25 से 30 पहुंच जाता है। तो ये सारा यूरोलॉजिस्ट देख के, सारी हिस्ट्री अगर एग्जामिनेशन देख के ये डिसाइड करता है कि PSA क्यों बढ़ा हुआ है। चौथा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन करके हम ये देखते हैं कि यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है या ब्लड सेल्स तो नहीं आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ब्लैडर कैंसर है। अगर ब्लड सेल्स आ रहे हैं तो हम ब्लैडर कैंसर सस्पेक्ट करते हैं, इसमें भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। और आखिरी टेस्ट है सीरम क्रिएटिनिन या किडनी फंक्शन टेस्ट। अगर प्रोस्टेट का असर किडनी पे पड़ रहा है तो सीरम क्रिएटिनिन करा के पता किया जा सकता है। यह सारी चीज़ें करने के बाद हम प्रोस्टेट की डायग्नोसिस बनाते हैं और हम ये देखते हैं कि पेशेंट को कितना ज़्यादा सिम्टम्स है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो वह सिंपल फ्लूड मैनेजमेंट से वह उस चीज़ को ट्रीटमेंट किया जा सकता है, या तो मेडिकल थेरेपी दी जा सकती है। फ्लूड मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर पेशाब बार बार आ रहा है आपको या रात में बार बार उठना पड़ रहा है, तो हम पेशेंट को यह एडवाइस देते हैं कि शाम को 6-7 बजे के बाद पानी का इंटेक कम कर दें, चाय और कॉफ़ी लेना बंद कर दें, अगर अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल लेना बंद कर दें, खाना जल्दी खा लें, पेशाब करके सोएं, ये सारी चीज़ें बताते हैं।
प्रोस्टेट की दवाइयाँ दो तरीके की होती है, एक अल्फा ब्लॉकर बोलते हैं और दूसरा होता है एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। अल्फा ब्लॉकर जो होते हैं वह पेशाब का फ्लो इम्प्रूवमेंट करते हैं, और जो एंजाइम इनहिबिटर होते हैं वह प्रोस्टेट में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम करते हैं और वह प्रोस्टेट का साइज़ कम करने में मदद करते हैं। अल्फा ब्लॉकर में जो बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, इसमें सबसे कॉमन हम टैम्सिलोसिन यूज करते हैं, एल्फ्यूजिसिन, और एक नई दवाई आई हुई है सैलोडोसिन, उसमें भी हम यूज करते हैं। इसको यूज करने के बाद यूजली फ्लो में काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है, पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूवमेंट हो जाते हैं। और अगर हम एंजाइम इनहिबिटर, जिसको हम जैसे ड्यूटास्ट्राइड और फिनास्ट्राइड करके दवाइयाँ होती हैं, इसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो अगर हम इस दवाई को अगर लगातार कई सालों, 6 महीने या 1 साल 2 साल 3 साल तक दें, तो प्रोस्टेट का साइज़ 20-30% कम हो सकता है। अगर पेशेंट दवाइयों पे मेंटेन रहता है और पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो दवाइयाँ चलती रहती हैं, कई बार 3-4 साल 5 साल तक चलती रहती हैं। अगर पेशेंट दवाई नहीं लेना चाहता, या दवाइयों का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, या पेशाब बंद हो जाए, या पेशाब बंद होने की वजह से किडनी में सूजन आने लग जाए, बार बार इन्फेक्शन हो, या पेशाब की थैली में पथरी बन जाए प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की वजह से, या पेशाब में खून आ रहा हो, तो वह फिर इंडिकेशन होता है कि हम उसको सर्जरी के द्वारा चालू करें। प्रोस्टेट की सर्जरी यूजली दो तरीके से हो सकती है, ओपन विधि द्वारा हो सकती है या दूरबीन विधि द्वारा होती है। ओपन विधि आजकल नहीं की जाती, सिर्फ ऐसी विधि ऐसी जगह की जा रही है जहाँ पे दूरबीन या लेज़र की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या बहुत ही जड़ा ज़्यादा बड़ा प्रोस्टेट हो तो कई बार ओपन विधि करते हैं। अगर 200 ग्राम से ऊपर प्रोस्टेट है अगर, तो फिर ओपन विधि द्वारा किया जा सकता है। दूरबीन के ऑपरेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक लेज़र द्वारा होता है, एक कन्वेंशनल TURP ऑपरेशन होता है, और इन ऑपरेशन की डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसको हम दूसरे वीडियो के माध्यम से प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बारे में समझ सकते हैं। तो यह एक संक्षेप में था कि प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड होता है, मतलब कब हमें दवाइयाँ देनी होती हैं, कब ऑपरेशन करना होता है। इससे जुड़े और भी अगर कोई सवाल हैं, तो आप उसमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, आप हम उसको कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई कर सकें। धन्यवाद।